गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि अपने ये राज छिपा के रखो, अपनी ये बातें छिपा के रखो, वो बातें तो ध्यान में रखिएगा ही कि मनी सेविंग इन्वेस्टमेंट ये सारे राज अपने छिपा कर रखने, किसी को नहीं बताने। और आज तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूं जिनको तो बिल्कुल लॉकर में बंद करके रखिएगा, यानी कि किसी से कभी भी बताइएगा नहीं। उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कई बार हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे होते हैं जो हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला होता है, बट हमें क्या लगता है कि जब भी कोई हमसे बात करता है कि किस में बिजी हो, तो कई बार हमें उसका बखान करना, बातें करना कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने अच्छे और कितने फार साइटेड हैं, उस पे बखान करना बहुत 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 अच्छा लगता है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगला आपकी कितनी भी खुदाई कर ले, यानी कि अगला आपसे कितना भी जानने की कोशिश कर ले, लेकिन आप अगर किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या आप बहुत किसी इंपॉर्टेंट चीज पर काम कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर के लिए बेनिफिटेड है, उसको किसी से भी शेयर नहीं करना है। सेम वे फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो आपसी रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ी बहुत अनबन चल रही होती है। हम क्या करते हैं कि अगर हमसे किसी ने उसमें थोड़ा सा भी जिक्र किया या थोड़ा सा भी पूछना चाहा, तो हम अपनी पूरी की पूरी डायरी खोल कर रख देते हैं और पूरा वो रिश्ता जो होता है, जो भी छोटी मोटी बात होती है, छोटी मोटी बड़ी बात जो भी होती है, वो हम दूसरों को बता देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर जो ये आपका रिश्ता है, जो आपकी आपसी बातचीत से सुलझ सकता है, जहां आपने तीसरे या चौथे या पांचवें लोगों से शेयर करा, वहां पर भी फ्रेंड्स वो जो रिश्ता है आपका अपने आप ही डंप हो जाएगा या खराब हो जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि कभी आपके साथ ये दिक्कत चल रही है तो ये भी आपको किसी से नहीं शेयर करना, यानी कि यहाँ पर आपको खुद समझदार बनना और अपना रिश्ता स्वयं सही करना है। सो तीसरा पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे वर्क प्लेस में या ऑफिस में टेंशन चल रही होती है, यानी कि हम अपनी जो जॉब होती है, प्रेजेंट जॉब जो होती है, उसमें खुश नहीं होते, ना तो सैलरी से खुश होते हैं, ना तो अपनी पोस्ट से खुश होते हैं, ना एटमॉस्फेयर से खुश होते हैं। होता क्या है कि हमारे करीबी या रिश्तेदार या फ्रेंड्स जो भी आते हैं, जो भी हमारी जॉब के बारे में जरा सा कुछ पूछता है, हम फटाफट उनको सारी की सारी चीजें बता देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके बताते के साथ ही जो पहला इंप्रेशन जाता है वो ये जाता है आप बहुत अच्छी जगह पे नहीं है, आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आपकी सैलरी भी बेकार है, और उससे भी बड़ी बात जो आपके बारे में अज्यूम करी जाती कि आप में भी कॉम्पिटेंसी की कमी है, इट मींस तभी आपके पास अच्छी जॉब नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑफिस होता है, ये जो काम होता है, हर एक के साथ दिक्कतें चलती हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं वो दुनिया में ढिंडोरा पीट कर नहीं निकलते हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं खुद से वर्कआउट करने पर निकलते हैं। क्या आप वहां पर चीजें सही करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, और बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है तो उस जगह पर रहते रहते साइमल्टेनियसली कोई दूसरी जॉब सर्च कर सकते हैं या दूसरी जगह पर जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो चौथा पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मैटर करता है कि कई बार कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बॉडी शेमिंग की। सपोज मैं बहुत मोटी हूं और इस बात का डिस्कशन मैं हर एक से करती हूं कि देखो कितनी मोटी हो रही है, देखो कोई भी कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं कितनी खराब लगती हूं, या मेरा कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क है, बाल कितने खराब है, हमेशा इसी तरीके की बातें करती हूं। सो फ्रेंड्स, वहां पर दूसरों को भी मौका मिलता है कि जब भी वो आपसे मिलेंगे, सो उनको आपकी क्वालिटीज नहीं दिखेंगी, वहां पर उनको आपका काला गोरा मोटा पतला बाल खराब होना, यही सारी चीजें दिखेंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी आपकी इस तरीके की फीलिंग्स हैं, आप उस पर खुद वर्कआउट करिए, या अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि आपकी पर्सनालिटी के और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या और जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो अपने आप निखर कर सामने आ जाए, जो खुद आपको भी दिखे और दूसरों को भी दिखे। इसी पॉइंट में एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो अपने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हम हर एक को बताते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इमोशनल बहुत हूं, मैं गलत डिसीजन ले लेती हूं, या मैं ऐसा कर देता हूं, मैं वैसा कर देता हूं। अरे भाई, जो कर देते हो उसको खुद संभालो ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद सुधार सकते हो, दूसरों को क्यों बता रहे हो? दूसरे जानने के बाद केवल उसका फायदा उठाएंगे कि आपको गुस्सा दिलाया जा सकता है, या आप इंपेशेंट हैं, या आप ओवर थिंकर, क्यों बता रहे हो भाई? अगर उनको बताने से कोई फायदा हो रहा है या अगर उनको बताने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बताइए, अदरवाइज वर्क ऑन यू, और इस बात को भी अपने पास राज की तरह रखिए। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमारा समय ठीक नहीं चल रहा होता है, सो लोगों से डिस्कशन करते समय हमारे मुंह से निकल जाता है, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं तो कंगाल हूँ, मैं तो बेकार हूँ, या दूसरे साइड पे जो बहुत अच्छे से अपने आप को फ्लरिश दिखाते हैं या फ्लरिश होते भी हैं, वो क्या कहते हैं, अरे भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये चीज़। माय डियर फ्रेंड्स, आपको दोनों चीजों से बचना है, ना तो ये बोलना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और ना आपको ये बोलना है कि मेरे पास तो बिल्कुल अंबार लगा हुआ है।
आपको दोनों कंडीशंस में सिर्फ यही बोलना है कि भगवान की दया है या भगवान की कृपा है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों तरीके के स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। सो ये दोनों स्टेटमेंट बोलने से भी आपको बचना है, यानी कि दोनों ये जो बातें हैं उनको भी राज की तरह ही रखना है। होप आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, लेकिन हाँ ये बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया। और ये वीडियो तो पूरा का पूरा पसंद ही आया होगा, सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए इस लाल बटन को दबा दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।